हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज गाइस हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पाइल हैं। फर्स्ट पाइल है 1, 3, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30। अगर इसमें आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आती है तो ये आपकी पाइल है। अगर इसमें आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ आती है 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 30, तो ये आपके लिए है। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो आई होप गाइस अपने पाइल चुन ली होगी। चलिए फर्स्ट पाइल की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। और गाइस ये क्विक एनर्जी अपडेट है, ठीक है, हम शॉर्ट वीडियो बनाएंगे इसमें। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। बहुत ही स्ट्रांग साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के। ये सन, मून, वीनस साइन हो सकती हैं। वैसे ये सभी साइन के लिए हैं, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। आप अगर दोनों पाइल देखना चाहते तो वो भी देख सकते हैं, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले तभी आप इसको देख सकते हैं। देखिए गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो आपसे मौन होकर चले गए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है, फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पर, फैमिली में वो चले गए आपको छोड़ करके। लेकिन क्यों गए थे, इसके पीछे रीज़न क्या है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मुझे आपके साथ में रहना चाहिए या मेरी फैमिली के साथ में रहना चाहिए। क्योंकि जो फैमिली है ना, ये उनको उल्टा सीधा आपके बारे में भर दी है, जिसकी वजह से वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या इस पार्टनर के साथ मेरी आगे लाइफ संभव है। उनको ऐसा लगता था कि पता नहीं हमारे जो है आगे एक साथ हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हों, बहुत लड़ाई झगड़े होते हों, जिसकी वजह से वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और इसकी वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो मौन होकर चले गए थे। यहाँ पर इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि अभी जो है फैमिली में फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर इनकी साइकिल कंप्लीट हो गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइस मैं देख पा रही हूँ कि इसकी वजह से जो है उनको कुछ ना कुछ जो है इंट्यूशन भी बता रही है, और उनको एहसास भी हुआ है जितने टाइम वो आपसे सेपरेट रहे हैं, जितने टाइम वो आपसे जो है नो कांटेक्ट में रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों की ऑन ऑफ की सिचुएशन भी रह सकती है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि वो उसके बाद में उनको जो है धीरे धीरे क्लैरिटी मिलने लगी है। अब मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो उनको जताना नहीं आता है प्यार अपना, ठीक है, उनको बताना नहीं आता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो अभी आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करती हैं, और इस प्यार में इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स तो हमेशा उनसे प्यार करते रहे हैं, आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हैं, और उन्होंने आपके प्यार की कभी कदर नहीं की। लेकिन अभी उनको समझ में आने लगा है, और अभी इस फैमिली से जो है वो बाहर निकलना चाहती है, और आपके साथ में अपनी ज़िंदगी को देखते हैं। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो अपनी फैमिली से भी बात कर रही हैं आपके बारे में, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये हो सकता है कि आपके कर्मों की वजह से हुआ था, इसी वजह से वो आपको छोड़कर गए थे, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक का कार्ड भी है कि आप लोगों का कर्मा जो है फैमिली के साथ जुड़ा हुआ था, इसी वजह से आप लोग सेपरेट हुए थे। ये सब डिवाइन का रोल है, इसी वजह से ये सब कुछ आपके साथ में हुआ था। लेकिन अब उनके वहाँ पर कर्मा क्लींज हो गए हैं, इसकी वजह से वो आपके साइड में आना चाहते हैं, और वो आपको जो है ये गिफ्ट देना चाहती हैं, आपको ये पेंटिकल देना चाहती हैं, और आपको जो है कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं। अभी हम उनकी तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं कि वो आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि आप पहले पर्सन हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत जल्दी बदल दिया, आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, ठीक है, और हो सकता है कि जब वो फैमिली में हो तो थोड़ा सा आप
के बीच में डिस्टेंस हो तो वो बीच में भी आते होंगे। मैंने बताया था यहाँ पर कि ऑन ऑफ की सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि वो आपको देखने के लिए भी आते होंगे, ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज के थ्रू मिला है। और वो आपका जो है हाथ में हाथ लेना चाहते हैं, उससे उनको बहुत सुकून मिलता है। वो कह रहे हैं कि मैं एक मिनट भी इमेजिन नहीं कर सकता आपके बिना। वो कह रहे हैं कि आप जब हंसी मजाक करते हैं तो आप डरते नहीं हैं, आप कुछ भी मन में आता है वो बोल देते हैं मेरे सामने, आपको वो अपना बेटर हाफ देखते हैं। तो ये थी फर्स्ट फाइल की रीडिंग। आई होप गाइस रीडिंग आपको रेजोनेट हुई, रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर टू, जिन्होंने पाइल नंबर टू को चुना है उनकी हम रीडिंग देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके फीलिंग्स और इमोशंस आपके लिए क्या हैं। तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर आती है तो ये पाइल आपके लिए है। ये क्विक एनर्जी अपडेट है, ठीक है, बहुत जल्दी हम चेक करेंगे, ज़्यादा कार्ड नहीं लेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है। बॉटम तो देखे द एम्प्रेस, वाओ बहुत पॉजिटिव कार्ड है गाइस। गाइस मैं बताना चाहूंगी पहले आपके पार्टनर के जो है जोडिक साइन, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, बहुत ही स्ट्रांग साइन दिखाई दे रहा है उनके बर्थ चार्ट में। हो सकता है एरीज लियो सजिटेरियस भी हो, या टॉरस रो कैप्रिकॉन का कॉम्बिनेशन हो, या एरीज लियो सजिटेरियस का कॉम्बिनेशन हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वैसे आपके पर्सन की कोई भी साइन हो सकती है, आपने अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना है। तो ये देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया था, पास्ट में आपके साथ में बहुत धोखा किया गया था। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टनर उनकी फैमिली ने मिलकर के आपके साथ बहुत बुरा किया था, और हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में ब्लॉक भी कर दिया हो, आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं की हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ऐसा सब कुछ करके वो चले गए नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। यहाँ पर ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी वो वापस आना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, और एक तूफान की तरह वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो अभी आपको एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, आपको एक अच्छा पार्टनर देखते हैं, लविंग केयरिंग नेचर देखते हैं। इससे पहले तो हो सकता है कि उनकी फैमिली ने उनके उल्टे सीधे कान भरे हों, जिसकी वजह से वो आपके साथ में ऐसा बुरा करके गए थे। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वो सोचते हैं कि आप मेरी विश कम ट्रू हैं, और आप का एक कप मेरे पास आ जाए तो मेरे पास हैप्पी फैमिली बन जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं, और वो आपकी तरफ आने के लिए स्टैंड लेना चाहती हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आगे बढ़ना चाहती है अभी लाइफ में, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको एहसास हुआ है कि आप कितने अच्छे हैं और मैंने ही आपको गलत समझा था। कहीं ना कहीं उनकी इंट्यूशन ने या गट फीलिंग ने बताया होगा, या फिर और जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी आपको देखते हैं, आपके बिहेवियर को देखती हैं, तो किसी ने तो कहा है कि आपका पर्सन इतना अच्छा है और आप लोगों ने उनके साथ में इतना बुरा किया है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि अभी वो आपको जो है ये पेंटिकल देना चाहती हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपसे क्लियरिटी मांग सकती हैं आकर के, या उनको ऐसा लगता है कि आपको जॉब मिल गई है तो आप मुझे छोड़ देंगे, उनको डर ऐसा भी लग रहा है। यहाँ पर जो है ये कार्ड बताता है कि या तो आपको जॉब मिली है या फिर आपका प्रमोशन हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिली है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि आप उनको छोड़ देंगे, तो ये डर उनको सता रहा है, इसकी वजह से वो बहुत फास्ट हवा के झोंके के विपरीत वो आपके पास आना चाहते हैं और स्टैंड लेना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब उनकी पाने की चाहत बढ़ रही है, वो आपसे रिकनसाइल करने की सोच रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पर आपको स्पाई भी करते हों, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ देखते हों, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपसे एंगेजमेंट मैरिज करने की सोच रहे हैं, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी पार्टनर की एनर्जी। अभी हम देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेज, अभी वो आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, आपसे उनको बहुत प्रेरणा मिलती है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप जब सोए रहे तो मुझे आपको देखने में बड़ा अच्छा लगता है, आपकी आंखों की चमक उनका दिन बना देती है। वो कह रहे हैं कि आप मेरे से सीली हरकतें करती हैं तो आपको डर नहीं लगता है, उनको वो छोटे-छोटे हरकतें जो आपने कभी उनके साथ में की थी, नॉटी हरकतें, वो सब कुछ याद आ रही हैं।
आपको वो एक बेस्ट फ्रेंड की तरह देखते हैं और हमेशा ऐसे ही देखते रहेंगे। वो कह रहे कि अगर भगवान मुझे कभी ऐसा मौका दे कि मुझे चॉइस दे तो मैं आपको ही चुनूंगा, ठीक है, ऐसा कह रहे हैं। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप गाइज रीडिंग आपको रेजोनेट हुई। रेजोनेट तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर। बाय बाय।